हेलो फ्रेंड्स, पम्मी कुक स्पॉट रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं चावल की एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप ब्रेकफास्ट के समय यूज में ला सकते हैं। ये तो खाने में टेस्टी है ही और हेल्दी भी बहुत है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। रेसिपी के लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने एक कप चावल का आटा लिया है, उसमें मैं एक चॉप्ड गाजर को ली हूँ और एक चॉप्ड टमाटर ली हूँ, एक चॉप्ड शिमला मिर्च ली हूँ और एक बड़ा साइज का प्याज इस तरह से चॉप करके लिया और इसमें मैं दो हरी मिर्च को भी काट कर मिला ली। अगर आप बच्चों के टिफिन के लिए ये नाश्ता बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। और मैंने थोड़े से धनिया पत्ता को लिया है और मैंने इसमें थोड़े से पत्ता गोभी को भी बारीक काट कर लिया है। हमें सभी को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन को भी लिया हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज किया है, इसी से ये नाश्ता हमारी हेल्दी बनी है। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार और भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते रेडी है। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट करूंगी। इस तरह से ढककर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया है। अब मैं गैस पर एक फ्राई पैन गरम कर लूंगी। गरम
तरह से डालकर फैला लिया है। कवर करके 1 से 2 मिनट पका लेंगे। गैस मीडियम लो टू मीडियम रखनी है जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाए। वन साइड से चिले हमारे देखिए कितने अच्छे से साइड से ये पक गई है तो मैं इसे दूसरे साइड में पलट कर पका लेंगे। नाश्ता को भी बना दिया है। अब मैं इसे पलट दूंगी। पलट कर दूसरे साइड भी कुक कर लूंगी। इसे जरूर से बनाकर खाइएगा। ये लाजवाब चावल के आटे का टेस्टी नाश्ता बनाकर खाइए और अपने सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर मैसेज करिएगा। हमारे अन्य रेसिपीज को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से